हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नीरज तिवारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिल्वर वेडिंग चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले बड़े, अंततः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदास से अधिक प्रभावित है और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने खाली उसी क्वेश्चन को कवर किया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यही था। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।